कोविड-19 के संदर्भ में जारी एडवाइजरी की अनुपालना के क्रम में व्यक्ति द्वारा मास्क ना लगाए जाने पर पुलिस द्वारा चालान काटे जाने का विरोध करने वाले एक व्यक्ति को जिस बेरहमी से पीटा गया, परिणाम स्वरूप आरोपी व्यक्ति का हाथ पुलिस की वर्दी तक पहुंच गया। इस पर पुलिस के द्वारा राज्य कार्य में बाधा पहुंचाए जाने का मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके की है, जहां की पुलिस द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क नहीं लगाए जाने पर चालान काटा जा रहा था। इस दौरान एक युवक की पुलिस के साथ तकरार इतनी बढ़ गई कि युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि पुलिस को नागवार गुजरा। इस पर पुलिस द्वारा मोबाइल छीने जाने के लिए अमेरिकन स्टाइल में युवक को नीचे गिरा दिया व दोनों अन्य लोगों की मदद से युवक की गर्दन पर घुटना टिकाकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस पर गुस्साए युवक ने खड़े होकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी की न केवल वर्दी पर हाथ डाल दिया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। इस पर प्रताप नगर थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना प्रताप नगर द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी दरमियान आज दोपहर के वक्त पुलिस थाना प्रताप नगर के पुलिस कर्मियों के साथ एक शख्स ने झगड़ा किया, उनसे उलझा, उनकी नेम प्लेट तोड़ दी और वर्दी फाड़ दी और मारपीट करी, जिस पर श्री मुकेश कुमार पुत्र महादेव जाति प्रजापति उम्र 40 वर्ष बलदेव नगर मसूरिया, ये शख्स ने जिसने ये कृत्य किया है, ये शख्स अग्रेसिव प्रकृति का है और इसने अपने पिता के साथ वर्ष 2019 में पेश करके उनकी आँख फोड़ी थी, जिस पर इसका चालान 326 में शुरू में हो चुका है। तो शख्स को हिरासत में लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।